తుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ శుభ కార్యసు సర్వదా. वहां करो वहां करो, वो देखो साफ नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो, मैट मैडम के आने का टाइम हो रहा है, जल्दी. अरे नीचे छोड़ नीचे छोड़, कितनी बार कहा कि धोती उठाकर दिखाना नहीं, ये काली काली टांगे छोड़. हैं हैं, गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. क्या करता है मैडम, मैं इसकी पगार में से काट लूंगा. आइंदा ऐसी गलती हुई तो सर फोड़ दूंगी, समझे? कम ऑन टाइगर. कौन है? ओ कुत्ता. तुम किस खुशी में हंस रहे हो? नहीं हंसूंगा मैडम, नहीं नहीं हंसूंगा. लीना, ईशा, गुड मॉर्निंग मम्मा. इधर आओ. इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? प्रिंसिपल साहब से मिलने गए थे. क्यों ईशा? हाँ मम्मा, राय लेने गए थे कि हमें अब बीए करना होगा या बीकॉम. ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं. ये कपड़े पहनकर प्रिंसिपल से मिलने गई थी? शर्मानी चाहिए. इस उम्र में जिस्म छुपाया जाता है, नंग धड़ंग होकर मर्दों के सामने नहाया नहीं जाता. मम्मा, आइंदा हम खेलने और तैरने नहीं जाया करेंगे, लेकिन हम दिन में बीकॉम और रात में योगा के लिए तो जा सकते हैं ना? हाँ मम्मा. बस बस, मुझे तुम दोनों की हर हरकत का पता है. आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद मम्मा, और आज से तुम दोनों का बाहर जाना भी बंद मम्मा. अगर जाना हो तो सिर्फ मेरे साथ या हनुमान जी के साथ. मगर मम्मा, हम घर में कब तक बंद रहेंगे? जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती. शादी? हाँ, अब अंदर जाओ, जाओ अंदर. हनुमान जी, आज से तुम इनके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू करोगे, मगर शर्त यह रहेगी कि दोनों लड़के सगे भाई हो, धन दौलत और खानदान में हमसे ऊंचा तुलने वाले. यस मैडम. Thank you.
आइए आइए हवलदार, यही है सारे झगड़े कारण। ओ तुम यहाँ पहुँच गया। मगर हवलदार, झगड़ा तो इन लोगों ने शुरू किया था। चुप, तुमने अमन भ्रष्ट किया है, इसलिए दफा दफा जो भी है उसके तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी डालो। मुलजिम विक्रम दोषी का होटलों और सड़कों पर नाच कूद करना और गाने गाना, बचकाना और अहमकाना हरकत है जो शहरी अमन को तोड़ती है। मगर अदालत मुलजिम की कम उम्री पर तरस खाते हुए उसकी वजह इसकी बेरोजगारी और मजबूरी समझकर मुलजिम को 24 घंटे हिरासत में रखने का फैसला सुनाती है। योर ऑनर, यू आर ग्रेट। सीधा खड़ा रहो। चल चल जल्दी बारा। पांडोला, क्या है? पिछली बार जब हम यहाँ से निकला था तो तुम हमको कितना उधार दिया था? 25। अब और 25 देगा तो कितना होगा? 45। 50। निकालो 50। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि 50 का पूरा 100 देगा। अरे पांडू पांडू पांडू, समझता क्यों नहीं? ये तेरे 75 के 50 बना रहा है, तेरे को ठग रहा है। अरे सांडू, तू मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, दूर की सोचता हूँ। ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएट चोर है, कल को इंस्पेक्टर बन गया तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी। ये इंस्पेक्टर बनेगा? हो सकता है। ओए चुप, गुस्सा मत दिला, चल निकल जा यहाँ से। और फिर से इधर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? शाना बनता है। Oh!
मैडम, ये डॉक्टर दिलीप सिन्हा और इनकी धर्मपत्नी, और ये दोनों डॉक्टर साहब के लड़के हैं, राम और लक्ष्मण। नमस्ते। ये दोनों भी इंजीनियर हैं। मैंने बैठने के लिए नहीं कहा था। अब आप बैठ सकते हैं। हनुमान जी, अब आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी आपके पिताजी क्या काम करते थे? जी वो भी मेरी तरह डॉक्टर ही थे। ओ, तो फिर काफी माल होगा आपके पास। कि देखिए, गांव में कोई 100 एकड़ जमीन है जिसमें बस वो गन्ना उगाया जाता है। मैडम के पिताजी की तरफ से 200 एकड़ जमीन आई है जिसमें गन्ना उगाया जाता है। हनुमान जी। जी अब वो जरूरी सवाल कीजिए। जरूरी डॉक्टर साहब जी, क्या ये दोनों आपके लड़के हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या ये दोनों सगे भाई हैं? जी नहीं जी, राम की माँ के मरने के बाद मैंने इनसे शादी की और लक्ष्मण इनसे पैदा हुआ है। कुछ और पूछना है आपको? पूछना नहीं, सुनाना है। और वो ये कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि नाम रख देने से ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी नहीं बन सकती। मेरी बड़ी लड़की के लिए तुम्हारा प्यार हमेशा सौतेला रहेगा। अब आप जा सकते हैं। मगर याद रखिए, लड़की वालों के लिए इतना गुरूर अच्छा नहीं। वो जमाना चला गया श्रीमान, जब दहेज लेने वाले गुरूर करते थे, अब दहेज देने वाले गुरूर करेंगे, समझे आप? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हरफन मौला हूं। मुझे इस वक्त खाना चाहिए। अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बैठो, ये सब तुम्हारा है, खूब पेट भर के खाओ। खाना तो मांग के भी मिल सकता था, छीन के लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, मांगने से कुछ नहीं मिलता। नौकरी मांग कर देखा, काम मांग के देखा, किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर भगवान भी इंसान से उसकी जिंदगी मांगे तो इंसान कभी नहीं देगा, इसलिए भगवान भी छीन कर ही लेता। हेलो, यू स्पीकिंग? जी नहीं, आज नहीं हो सकता। आज मेरे घर पर कुछ खास मेहमान आए हैं। यू डू वन थिंग, आप ऐसे कीजिए, कल लंच पे मुझे दफ्तर में मिल लीजिएगा, ठीक है? ओके। आपका नाम? मुझे ओमी कहते हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो सिर्फ आदमी हूँ। अच्छाई और बुराई मतलब ही होती है। मतलब निकल गया तो आदमी अच्छा लगता है, और अगर मतलब ना निकला तो वही आदमी बुरा। यू आर राइट। कोल्ड ड्रिंक मिल सकता है? कोल्ड ड्रिंक? श्योर, व्हाई नॉट, अभी देता हूं। ये दरवाजा कैसे खुला है? मालूम नहीं साहब, चाबी तो मेरे पास है। हाँ। लो दरवाजा, खोल कर अंदर खुसता हूं। कौन हो तुम? जी मैं भी चोर हूँ। वो तो जाहिर है, क्या चोरी करने आए थे? कपड़े, कपड़े जी। कपड़े? कच्चे चोर लगते हो तुम। खैर, 2 से 3 भले, चलो। हाँ
पहन लो। चलो पैसे मिल गए। ऐसा लगता है जैसे मालिक साला तुम्हारे लिए सूट सिलवा के रखा था। ये लो 500 तुम्हारे, ये 500 मेरे और ये 500 तुम रख लो, काम आएंगे। पर इसमें तो बहुत सारे रुपये हैं। तुम्हारे बाप के हैं? अबे जितनी भूख है उतना ही खा। है, जा, है। चल चले। हाँ। अच्छा बहुत तरक्की कर रहे हो बच्चू, हवालात में आने की अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हो और अपने साथ साथ दूसरे को भी गिरफ्तार करवा रहे हो। क्यों? दूसरा ही नहीं तीसरा भी अपने साथ है। चुप, जानते हो ये कौन है? ये इस घर के मालिक है, श्री राम निवास। तिलक तिलक राम? चलो 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 चल, चल, चल। चलो साहब ने बुलाया। श्री रामनिवास तिलक ने अपना केस वापस ले लिया है, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया जा रहा है। सर आप? थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ओके। चलो देख क्या रहे हो, अब धर लिए गए तो तड़ी पार करा दूंगा। पांडू सांडू इन दोनों पर नजर रखना। यस सर। अपना अपना परिचय करा। सर मेरा नाम ओमी है, मैं अपना बीकॉम पास कर चुका हूं। मेरे पिताजी दिल्ली के बैंक में कैशियर थे, बैंक में डाका पड़ा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं बॉम्बे नौकरी की तलाश में आया हूं सर। सर मुझे विक्की कहते हैं, बीए पास हूं। पिताजी नागपुर में हवलदार थे, दंगे फसाद में मारे गए। सर मैं हर काम करने को तैयार, मगर किसी ने काम ही नहीं दिया। तो तुम काम की तलाश में बॉम्बे पहुंच गए, ये समझ कर कि ये एक जादू नगरी है। यहां अलिफ लैला का जिन रहता है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश हर हवस को पूरी कर देगा। क्या मिला तुम्हें? काम मिला? तुम नौजवान हर काम इनकार से शुरू करते हो, काम आवारा और उचक्कों को नहीं मिलता, मगर जिन्हें काम की श्रद्धा होती है उन्हें काम मिल जाता है। सर आप हमें काम देकर देखिए, चार चार आदमियों का काम हम अकेले कर सकते हैं। काम? काम तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर किस लिए बुलाया था मैं? मुफ्त में भाषण सुनाने के लिए? इसलिए बुलाया था कि काम हासिल करने के लिए श्रद्धा पैदा करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ। काम नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वक्त गुजारने के लिए शरारतें करो, जवानी को तसल्लियां देने के लिए लड़कियों से इश्क लड़ाओ और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी छोटी चोरियां करो। मुझे डर है कहीं ये छोटी छोटी चोरियां तुम्हारा पेशा न बन जाए। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, जाओ हकीकत तलाश करो। विकी, जानते हो दुनिया में सबसे आसान काम कौन सा है? नसीहत करना। जी, और ये महाशय भी यही काम करते हैं। चलो मैडम, ये सुरेंद्रनाथ जी हैं। उसमें ऐसा है ना कि बेंगलोर में लोग मुझे नया सावकार के नाम से जानते हैं। नया सावकार?
उसमें ऐसा है ना कि जो मेरे पास दौलत है वो मैंने कमाई है, मेरे बाप दादाओं ने नहीं। उसमें ऐसा है ना कि मैडम इनके ये दो लड़के चिंटू पिंटू, उसमें ऐसा है ना कि ये मेरे जुड़वे बच्चे हैं। मगर क्या आप पहचान सकते इनमें चिंटू कौन है और पिंटू कौन है? क्यों नहीं, उसमें ऐसा है ना कि ये चिंटू है और ये पिंटू है। हनुमान जी जरा इन दोनों का अदल बदल करके बिठाइए तो। जी स्टैंड अप गो। अब बताइए इनमें चिंटू कौन है और पिंटू कौन है? क्यों नहीं, उसमें ऐसा है ना कि ये जी, हाँ जी? तुम ही बताओ कि इसमें चिंटू कौन है और पिंटू कौन है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, बच्चों से ही पूछ लो ना। जब आप चिंटू और पिंटू में पहचान नहीं कर सकते तो मेरी बेटियां कैसे कर सकेंगी? मेरी बेटियों के पति बदल जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चाहिए अपने जुड़वा बेटों के लिए कोई जुड़वा लड़कियों का रिश्ता ढूंढिए। मैनेजर जी, मैं अपने फार्म पे जा रही हूँ, 10-12 दिन में लौटूंगी। जी कमू याद रख, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों की कहानियां लीना और ईशा के सामने नहीं कहोगी, हमेशा घर में रहोगी। हो भाई। और रघु तुम? मैं सीधा मार्केट जाएगा और सीधा घर आएगा और टाइगर को रोज स्नान कराएगा और कंपाउंड के अंदर वॉकिंग करेगा। मैं हर रोज कार और जीप स्टार्ट करूंगा, साफ करके गैरेज में रखूंगा, बाहर हरगिज नहीं ले जाऊंगा। और बीबी जी मैं गेट के बाहर कदम नहीं रखूंगा, किसी नए आदमी को अंदर नहीं घुसने दूंगा और बेबी लोग को बाहर नहीं जाने दूंगा। हा? और तुम? मामा हम इस चौखट से आगे नहीं जाएंगे। और मैडम मैं इन सब पर नजर रखूंगा और खास करके लीना और ईशा पर। जी लीना और ईशा पर। बाय मामा। ए याहू! अब किसी कदर नहीं कोई, किस्मत अपनी खुल गई, अब किसी कदर नहीं कोई। दिलों दिल लगाओ घंटी बज गई, मिल गई कैद से छुट्टी मिल गई। दिलों लगाओ घंटी बज गई, मिल गई कैद से छुट्टी मिल गई। है कोई किस्मत अपनी खुल गई, अब किसी कदर नहीं कोई। घंटी बज गई, मिल गई कैद से छुट्टी मिल गई। हर पल नहीं है कोई किस्मत अपनी खुल गई, अब किसी कदर नहीं कोई।
कर देते हैं। शट अप, साथ गाना क्या गा लिया? गले ही पड़ गए? हैसियत देखिए अपनी। हाँ, क्या? My love, इस उम्र में हैसियत नहीं, जवानी और चाहत देखी जाती है। My foot, नीचे उतरो। चल विकी, अपनी हैसियत बढ़ाने अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। How wonderful! आप पर तो, मेरा मतलब है आप पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जाइए पहन कर देख लीजिए, प्लीज गो। अरे नहीं, आप दोनों एक साथ कपड़े कैसे बदलोगे? क्यों, मेरे पास ऐसी कौन सी नई चीज है जिसके पास नहीं? मुझे क्या मालूम। कितना जच रहा आप दोनों पर, निकाली मैं पैक कर देती हूँ। बस यूं ही ठीक है, आप बिल दे दीजिए। एक मिनट, हाँ मैं काउंटर पे देती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, बड़ी ये बिल आपका है नी? बड़ी ये तो गूंगा दिखता है,
अरे इधर आओ साईं। तो फिर ये किसका बिल है? अरे मेरे बाप, तुझे कैसे समझाऊं? चूल्हे लाल फिर गोल माल। अरे ये कपड़े हमारे हैं। अरे मैं मेरे नहीं तेरे कपड़ों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे हैं। साड़ी बेबी क्या है? कौन है? स्टूपिड, क्या है? क्या गड़बड़ है? ओह, ये कह रहा है कि आप इसे कुत्ते की तरह झगड़ रहे हैं? तो क्या चूहे की तरह बेटा देखता रहूं? हवालदार साईं, इसने कपड़ा खरीदा है और पैसा नहीं दिया। तो फिर वो कपड़े का पार्सल कहाँ है? हाँ, अरे बाबा वही कपड़े तो उसने पहन रखे हैं। ठहरो, इसके पुराने कपड़े कहाँ हैं? पुराने कपड़े नहीं हैं। अरे तो क्या ये यहाँ नंगा आया था? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हवालदार साईं, दड़ाई दड़ाइए, ये बिल देखिए। दो पैंट, दो शर्ट, दो जर्किन, लेकिन इसने सिर्फ एक पहन रखा है। दूसरा कोई और पहन कर चला गया। तो जाकर उसे पकड़िए, आपसे जरूर कोई गलती हो गई होगी। बेचारे गुंगे के पीछे क्यों पड़े? क्या 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 खरीदना वरीदना कुछ है नहीं, पेट का धंधा बिगाड़ने चले आए क्या? चल चूल्हे लाल, आज फिर गोलमाल। चलो बेटे इनाम निकालो। ए, 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 हमसे मजाक करता है, कर दो अंदर। हवालदार साहब गुस्सा तो पीट लीजिए, लेकिन इंस्पेक्टर के पास मत लेके जाइए। तू हमारे लक्ष्मी हवालदार का बेटा है ना? जय श्री, माफ किया। अरे वाह पांडु हवालदार वाह। अरे क्या करता है पीछे? ये रखो अपने 25 के 50, हिसाब बराबर। हाँ बराबर। बाय 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 बाय। पांडु ये तुझे फिर से ठग गया, हिसाब बराबर कैसे हुआ? अरे सांडू, मैं हमेशा दूर की सोचता हूँ। दूध देने वाली गाय को चारा डालना पड़ता है। खैर तू ये 50 रुपए रख। हाँ। मेरे 50 तो पूरे। अरे साला फिर से चकमा दे गया। अगली बार मेरा तो 3 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। अच्छा हेलो बेबी, ये भी कोई तरीका है लड़कियों से मिलने का? वागाबॉन्ड्स? वागाबॉन्ड्स नहीं, जेम्स बॉन्ड। ईशा बहस मत कर इन लफंगों से, तू जा और टिकट ले आ। टिकटें तो खलास हो चुकी हैं, सिर्फ 4 टिकटें बची हैं हम चारों के लिए। ये 2 टिकट तू रख। चलिए जनाब। बड़े आए साथ चलने वाले, पहले घर जाके मुंह धो। चलिए धूप जैसी जलती जवानी तो है मेरी रानी। खिलाफ
वरना गोली मार दूंगा। इधर आओ, चलो। हुस्न मोहब्बत की बातें मुश्किल से समझ में आती हैं, परवाने तो जलते रहते हैं, क्यों शम्मा जली मालूम नहीं। क्या चीज मोहब्बत होती है ये उनको भी मालूम नहीं। कब बिजली गिरी, कब शोर उठा, कब आग लगी मालूम नहीं। टैक्सी टैक्सी। हे, नाम और पता पूछना तो भूल ही गए। ये हुस्न मोहब्बत की बातें मुश्किल से समझ में आती हैं, परवाने तो जलते रहते हैं, क्यों शमा जली मालूम नहीं। क्या चीज मोहब्बत होती है ये उनको भी मालूम नहीं। कब बिजली गिरी, कब शोर उठा, कब आग लगी मालूम नहीं। क्या सोच रही हो? सकी कितना स्मार्ट है, होगा। वो कितना अच्छा डांस करता है, होगा। वो कितना बहादुर है, होगा। होगा का क्या मतलब? मतलब ये कि ओमी जैसा हैंडसम कहां। ओमी, उन लड़कियों को भी क्या वही होता होगा जो हमें हो गया? भाई मेरी वाली की बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वो कैसे? उसने जब मेरी तरफ देखा यूं, उसका मुस्कुराना, फिर शर्माना, फिर बलखा कर टैक्सी में बैठ जाना, उफ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जल गया और वो भी पिघल गई। मुस्कुराकर शर्माना तो मेरी वाली ने भी किया था। मुझे भी ऐसा लगा कि बिजली मुझ पे गिरी और दामन उसका जल गया। अच्छा, और अगर ऐसा ना हुआ हो तो टॉस करते।
जीत का मतलब जीत, पट का मतलब हार। चल देख। मैं नहीं देखता, तू देख। चल दोनों देखते। एक अड़चन और भी हो सकती है। वो क्या? अगर एक लड़की पुलिस कमिश्नर की बेटी और दूसरी किसी खूनी स्मगलर की बेटी निकली तो याद रख, बहुत जूते पड़ेंगे, बहुत जूते पड़ेंगे। दोस्त डराता क्यों है? पता कर लेते। हरा सिग्नल है तो आगे बढ़ते, लाल सिग्नल है तो लड़कियों की नाड़ी देखकर उनका इलाज शुरू करते। चलो चल चल। ओमी, ये वही टैक्सी है। दादा, ओ दादा, 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 वो दो लड़कियां। लड़कियां? किधर लड़कियां? कहाँ है? दादा, दो लड़कियों को कल टैक्सी में ले जाकर कहाँ छोड़ा था? दोनों बैठोगे क्या? नहीं, हम वैसे नहीं हैं। तो फिर क्या ऐसे हो? नहीं, हम ऐसे भी नहीं हैं। तो फिर आधे पानी की मटके की तरह कांप क्यों रहे हो? नहीं, हमें वो दो लड़कियां चाहिए। अरे रे रे रे, हम भी तो दो हैं। वो दो तो धंधे पे गई हुई हैं। नहीं, वो तो नहीं। हाँ? कोई और दो। क्यों, हम दोनों में कोई कमी है क्या? चलो दस दस कमी दे देना। तो बात यहाँ तक बढ़ गई है। चलो चलो थाने। हवालदार दादा, हमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, कर लेना था। नहीं दादा, बदला लेना है तो किसी चोरी के केस में पकड़ लो। हाँ। लेकिन इस केस में नहीं। हाँ, दादा, इज्जत का सवाल है। प्लीज चुप। आज कुछ नहीं चलेगा। आज चलेगा तो पांडू हवलदार और सांडू हवलदार का डंडा चलेगा। चलो चुप। चलो तुम भी थाने चलो। चलो चलो। पांडू हवलदार, ये जज साहब वही है ना जिन्होंने मुझ पे रहम किया था? नहीं, दूसरा आया है, बड़ा सख्त है। किसी लड़की ने धोखा दिया था इसलिए शादी नहीं की अब तक। सीधा सुना देगा तुम दोनों को 6 महीने की कैद। 6 महीने आनी चाहिए तुम्हें। शर्म हमें अंदर जाने के बाद आई थी योर ऑनर। तो फिर अंदर क्यों गए थे? योर ऑनर, हमें दो लड़कियों की तलाश थी। जब हमने देखा दो नाजुक से हाथ हमें बुला रहे थे, हम समझे वही लड़कियां हैं। हम बेतहाशा अंदर घुस गए। बाद में पता चला ये वो दो लड़कियां नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी। फिर तुम्हें कौन सी लड़कियों की तलाश थी? योर ऑनर, वही जिनसे हम प्यार करते हैं। कौन वही? कोई नाम और पता तो होगा। योर ऑनर, हम उनका नाम और पता नहीं जानते। जरानर, किसी का नाम और पता पूछ के मोहब्बत नहीं की जाती, मोहब्बत हो जाती है। हम अगली मुलाकात में उनसे नाम और पता पूछ लेंगे। जरानर, ओ लगता है तुम दोनों पागल हो। मोहब्बत करने वालों को दुनिया हमेशा पागल के नाम से पुकारती है। मोहब्बत करने वालों को कैसे कैसे इम्तिहान और आजमाइश से गुजरना पड़ता है। जरानर, जरानर, मोहब्बत करने वालों का दुख सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं। योर ऑनर, आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की होगी, उसी पाक मोहब्बत की कसम हम सच कहते हैं। योर ऑनर, हम सच कहते हैं। योर ऑनर, आप हमारे माई बाप हैं। आप हमारी मोहब्बत को रुसवा होने से बचा लिए। अदालत तुम्हें बरी करती है, तुम जा सकते हो। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू। अरे,
समझ लिया कि हम दोनों आपसे प्यार करते हैं और तुमने भरी अदालत में ये क्यों कहा कि तुम हमसे प्यार करते हो? हिमाकत की भी हद होती है। इन्हें क्यों डांट रही है? तेरे वाले से पूछ, क्या नाम और पता मालूम होता तो ये बता देते। मगर इन्होंने तो ठीक ही कहा था, तेरे वाले की तरह ये तो नहीं कहा था कि नाम और पता पूछ कर बताएंगे, बेवकूफ कहेंगे। बेवकूफ तो तेरे वाला होगा। क्या कहा? हाँ हाँ हजार बार कहूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तेरी तरह छुप कर या डर कर प्यार नहीं करती। तू समझती है मैं तुझसे डरती हूँ? मैं तुझसे बड़ी हूँ, समझी? अरे जी, आप आपस में क्यों झगड़ रही है? डर तो हम रहे थे। अब पता चला कि आप दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। Oh, miss, mobra hai, mandar kis, miss, 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 miss
अरे प्यार में वीराने भी बन जाते हैं पैर। ओ मिस देखे आया है खबरदार जो उनकी हिमायत की वो दोनों लफंगे और बहरूपिए हैं। लक्ष्मी देवी की लड़कियों को उल्लू बना रहे हैं और फिर एक दिन लूट लाट कर निकल जाएंगे। लक्ष्मी देवी सोशल फिगर हैं, कल आकर मुझसे जवाब मांगेंगी तो तुम्हें पेश करूं सामने। जाओ उन लफंगों को ले आओ। यस सर। मुझे प्यास लगी है अम्मी। हाँ। मुझे नारियल चाहिए। नारियल? हाँ। अभी लाते हैं। चल लपके लपके। एक तो आ गया। वेरी गुड। चल ले पकड़। अबे हला अटा। अबे आजा। ये दूसरा भी आ गया। चल वेरी गुड। उधर 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 पीछे उधर। बोल रहे। अरे क्या होगा? अरे कहाँ गए ये लोग? लीना, ईशा, लीना, ईशा। क्या हुआ? क्या हुआ? देखते नहीं हो क्या? अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, बस भी करो। हम घर चले जाएंगे। तो चलो उतारो कपड़े। कपड़े? हम धो देते हैं। हाँ। तब तक तुम हमारे कपड़े पहने ना। हाँ। तुम्हारे सामने? हाँ। उस दीवार के पीछे। ठीक है चलो। चलो उतारो कपड़े। तुम्हारे सामने? शादी के पहले ही कपड़े धोना पड़ रहा है अम्मी। शादी के बाद क्या क्या धोना पड़ेगा? प्यार में हर चीज जायज है विकी। Everything is fair in love and war। धोते रहो। शायद तो ठीक ही कह रहा है। टोपी पहना रहे थे। आप देखते हैं कैसे बचते हो। पांडू? बहुत ज्ञान समझते थे अपने आप को। क्यों? चलो चलो पता चलेगा सब। पांडू कुछ कमजोर लग रहे हैं। तुमने कुछ सुना? नहीं तो। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। अच्छा पांडू, खून का मामला है, तू भी चल चल चल। अच्छा तुम दोनों यही रहना। मम्मी
कहाँ चले गए? जरूर यही कहीं छुपे होंगे। ऐसा कर, तू उधर नजर रख, मैं इधर नजर रखता हूँ, देखते हैं कैसे बच के जाते हैं। मैं इधर यार। अब हम घर कैसे जाएंगे? हम तुम्हें पलकों में छुपा के ले जाएंगे। हमें डर लगता है। डरने की क्या बात है, हम जो तुम्हारे साथ हैं। इसी बात का तो डर है। घबराओ मत, तुम्हारी इजाजत के बगैर हम तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएंगे। मजा आके वो लिपटे हमें बिजली के डर से। मैं जब भी देखता हूँ आपकी मासूम आँखों में अपनी बर्बादी नजर आती है मुझको। Thank you.
सांडू पांडू बाहर है। सांडू पांडू आइडिया। पांडू पांडू तुझे तो हर आदमी ओमी और विकी नजर आता है। खोल दे वरना छोकरी के कारण नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और वो इंस्पेक्टर तो वैसे भी अपने ऊपर कड़वे करेले काटता है। खोल दे। लेकिन मतलब तू नहीं नहीं रोते नहीं रोते, ये पांडू तो बेवकूफ है। खुल गई खुल गई। इंस्पेक्टर साहब से शिकायत मत करना है। थैंक यू हवलदार। कोई बात नहीं। कौन दरअसल हम आप ही से मिलने आए थे सर। चोरी करने या मुफ्त का भाषण सुनने? सर आपने हमें गलत समझा सर। सर हमने नौकरी करने के लिए इम्तिहान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विकी पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारियां कर रहा है और मैं बैंक ऑफिसर की। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि तुम में ख्यालों के दलदल से निकलकर जिंदगी को छू कर देखने का एहसास पैदा हुआ। ऐसे इम्तिहान के लिए मेरे पास काफी मटेरियल है, अभी देता हूं। पहले ये देखो, बहुत काम आएंगे। फिर ये लौटाने के बाद और भी किताबें देता रहूंगा। थैंक यू सर। मगर शर्त ये है कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कभी नहीं आओगे। नेवर सर। नेवर सर। नेवर। तो ये बात है, अब दोबारा आओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ये टाइगर है, ये डिस्को मोटर निकाला डे तिंगरिया। अरे रे 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 पुडी डे अड्डा डे टाइगर आने कड़ा या यो टाइगर या बट्टे का ये यो लीना ईशा अम्मू अयो कदा। गुड मॉर्निंग मैडम, आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मामा मामा ठहरो। मैनेजर जी ये रहे 1000 रुपए, रख लो तुम्हारा इनाम। मेरा इनाम? यहाँ जो नाटकबाजी हो रही थी उसका हर रात मुझे फोन पर सुनाने का इनाम। फोन पर? बाई मैं 2 बार सिनेमा देखने को गई थी और 1 बार एग्जीबिशन, वो भी मेरे घर वाले के साथ मैनेजर की इजाजत से। अम्मा मुल्क से मेरा तंबी मेरा छोटा भाई वो बंबई घूमने के लिए आया, मैं उसको घुमा के आया, ये मैनेजर से मैं परमिशन लेके गया है। मामा हम तो गीता का पाठ करने बाहर जाया करते थे। हाँ मामा स्वामी सेवानंद आए थे और मैनेजर ने ही भेजा था हमें, वरना हमें क्या मालूम बॉम्बे में कौन आता है कौन जाता है। अरे, अरे? क्यों मैनेजर कैसी रही मेरी चाल, उगल दिया ना सच शब्द। मगर मैडम ये सब झूठ है, मेरी सुनता ही कौन था, सब अपने अपने किया करते थे। शराब शर्मानी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी हर हरकत जानती हूँ। मुझे फोन तो किया होता, मैंने तुम्हें हक दिया और तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आइंदा डिसिप्लिन का ख्याल रहे। मगर मैं मैं सच सच बताओ कहाँ कहाँ गई थी। सच ही तो कहा था मामा। मामा स्वामी जी ने कहा था। क्या कहा था? कहा था अगर हमारी शादी 1 महीने के अंदर अंदर नहीं हुई तो क्या होगा, सूरज नहीं निकलेगा या पानी नहीं बरसेगा। मामा उन्होंने कहा था कि तुम मर जाओगी। क्या? हाँ मामा, इसीलिए हमने तुम्हारी कसम तोड़ी थी।
और स्वामी ने ये भी कहा था कि हमें पूरे 9 दिन मंदिर जाना होगा और फेरे लेने होंगे ताकि हमारी माँ बूढ़ी होकर जिए और नवासे और परनवासों को देखे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मम्मा मंदिर जाने का कल आखिरी दिन है, हम हो आए। हाँ, हाँ, हुआ। मम्मा मगर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लगता है मंदिर जा रहे हैं, चलो चलो। मामा तुम गाड़ी में बैठो। क्यों, मैं भी पूजा करूंगी तुम्हारे साथ। मगर मामा यहाँ तो वही आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो। ओह मेरी तो मत मारी गई, जाओ तुम दोनों अंदर जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, साड़ी में पाँव आ गया। क्या कहा? पाँव में साड़ी आ गई थी। देख कर चलो। मंत्र बंद क्यों किए? मम्मा यहाँ पर तो छोटे छोटे भगवान भी विराजमान हैं। अच्छा अच्छा, तो उनका भी आशीर्वाद ले लेना। अच्छा आशीर्वाद तो घर जाके लक्ष्मी देवी का लेना। अभी तो ये पहनो हमारे प्यार की हथकड़ी, शाम को कहाँ मिलोगी? घर पर। घर पर? घर के पीछे हरी लाइट देखकर ऊपर आ जाना या हम आ जाएंगे, और अगर लाल लाइट हो तो हरी लाइट का इंतजार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Hey, उठो। ओ क्लोरोफॉर्म की औलाद, उठ। गोरखा उठा। ये गोरखा कौन है बे? नमस्ते साहब। हाँ ठीक है दरवाजा खोलो। क्यों बे, ड्यूटी पे सोता है? सोता है? कौन सोता है? hey, सोने का नहीं समझा? hey, सोने का नहीं। पांडू इस लाल लाइट को देखकर एक बात याद आ गई। क्या? मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि गधे को लाल रंग हमेशा हरा दिखाई देता है। पांडू तू इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं ये लाल लाइट तुझे हरी तो नहीं दिखाई देती? नहीं लाल ही दिखाई दे रही है। हाँ अरे गधे लाल है तो लाल ही। पांडू तुझे कैसा दिख रहा है? मुझे भी लाल ही दिख रहा है। तो फिर चल आगे चल। पांडू भगवान का शुक्र है अपन गधे नहीं है, हैं? क्या बात है रघु? अम्मा पूछा आप लोग सोया नहीं सोया करके मैं देखने के लिए आया। नींद नहीं आ रही थी। वो अम्मा बोलता कि चूचा का आवाज। क्या हुआ इसे बेबी? कुछ नहीं खटमल। खटमल है?
तुमको क्या हुआ लेना बेबी? खटमल। उधर कटमल है, इधर कटमल है, ये घर में कैसा कटमल है? बेबी लोग थोड़ा ये कटमल के साथ में एडजस्ट कर लो है? ये शूशा का आवाज बाहर नहीं है। साहब घर पे हैं? आओ आओ, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। बैठो। जो ले गए थे वो काम आया ना? यस सर, बहुत काम आया। और भी चाहिए? यस सर। तो फिर मैं तुम्हें और देता हूं। दोनों होशियार भी हो और चालाक भी। ये लो। आपने सच कहा था सर, श्रद्धा और मेहनत से क्या कुछ नहीं मिलता। हाँ मिलता है, जरूर मिलता है। मैं समझा था आज भी तुम चोरी करने आए। नहीं, हमने चोरी छोड़ दी सर। ये पैसे जो हमने वापस डाले हैं सर, ये हमने रातों में मेहनत करके कमाए हैं। ये देखिए हमारे हाथ, ये सच है सर। अगर लौटाने थे तो फिर चोरी क्यों की थी? खाने कपड़े की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। नहीं, जरूरत खाने कपड़े की नहीं थी सर। तो फिर अपनी ईमानदारी दिखाकर मुझे क्या इंप्रेस करना चाहते थे? सर दरअसल हम दोनों दो लड़कियों से प्यार करते हैं, उन्हें हम तोहफा देना चाहते थे। वक्त कम था और कोई रास्ता न था, इसीलिए हमने ऐसे किया था। क्या वो लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती हैं? हाँ सर। उनके माँ बाप से बात की? उनका बाप नहीं है सर, उनकी माँ से बात करते डर लगता है। नौकरी मिल जाएगी तो बात करेंगे। तुम मुझे उनका घर बताओ, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। आप? हाँ मैं बात करूंगा, और आज से तुम मेरे घर पर रह सकते हो, मेरी सरपरस्ती। थैंक यू सर। पहले मैं उन लड़कियों से मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वो तुम्हारे लायक हैं या नहीं। आइए सर। आइए सर। सर देखिए झंडी हरी हो गई, अब आ जाएंगे। सर हाँ? आप उस दरख्त के पीछे छिप जाइए थोड़ी देर के लिए प्लीज। हाँ आओ सर से मिलाते हैं। लीना, ईशा। पापा 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 मेरे बच्चे। मैंने पता कर लिया उन लड़कों के बारे में, न नौकरी न चाकरी न घर न दार न खानदान न अभिमान,
बस यूं समझिए कि अव्वल दर्जे के उठाई गिरे हैं। मगर मेरे पति से उनका क्या ताल्लुक? नहीं, ताल्लुक तो कुछ भी नहीं है मैडम। मुझे लगता है कि राम निवास जी आपसे बदला लेने के लिए या लीना और ईशा का प्यार जीतने के लिए इस आग को हवा देते होंगे। आई मीन मुझे लगता है। कहाँ है तुम्हारी मालिक? मैं यहाँ हूँ। आओ लक्ष्मी बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तुमने मेरी बात मानी कब थी जो आज मान जाओगी? मगर मैं तो तुम्हारे बराबर खड़ा हो सकता हूँ। मैं तुम्हें गुजरे हुए मौसम की तरह भूल गई। मौसम भूले नहीं जाते लक्ष्मी, याद ताजा करने बार बार आते रहते हैं। कभी जख्मों को भरने तो कभी जख्मों को गहरा करने। मैं यहाँ कोई सबक लेने नहीं आई, मैं ये पूछने आई हूँ तुम्हें क्या अधिकार था जो मेरे घर पर मेरी बच्चियों से मिलने आए थे। इसलिए कि लीना और ईशा मेरी भी बेटियां हैं। वो रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। रिश्ता कोई पैसा नहीं होता लक्ष्मी देवी, जो हाथ से निकल जाए तो संबंध टूट जाए। रिश्ते शर्तों से बनते या बिगड़ते नहीं, रिश्ता एक एहसास होता है जिसे खुरच कर फेंका नहीं जा सकता। और जमाना अभी इतनी तरक्की नहीं किया है कि बच्चों को बाप के नाम की जरूरत बाकी न रहे। तो फिर इतने साल मुंह छुपाए क्यों बैठे थे? कभी कोशिश की थी मुझे समझाने की, मुझे मनवाने की? नहीं, इसलिए कि तुम्हें दौलत का अहंकार था मगर पति का नहीं, और मुझे पत्नी का अहंकार था दौलत का नहीं। लेकिन आज मेरे पास इतनी दौलत है कि तुम्हारे बाप की दी हुई दौलत को भी पसीना आ जाए। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? बदला तुम समझते हो इस तरह तुम मुझे कमजोर कर सकते हो, मुझे तोड़ सकते हो? मगर ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितनी बदनसीब है वह औरत जिसे अपने पति से भी पर्दा करना पड़े। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनने नहीं आई। मैं तुम्हें यह कहने आई कि अगर तुमने उन आवारा लड़कों का सहारा लेकर मेरी बच्चियों को गुमराह किया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी मिस्टर राम निवास तिलक। नादान औरत, तू ये नहीं जानती कि नादानी का दूसरा नाम नाकामी है। रघु। अम्मा। चाबी उठाओ। मेरा मुंह क्या देख रहा है? चाबी उठाओ। मैनेजर जी, तुमने लीना और ईशा के लिए नए रिश्ते क्यों नहीं ढूंढे अभी तक? मैडम, रिश्ते तो मैंने कई ढूंढे हैं मगर कोई भी इस घर का दामाद बनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि वो लॉन्ड्री में काम करना पसंद करते हैं, पत्थर फोड़ना पसंद करते हैं, कोल्हू के बैल बनना पसंद करते हैं, मगर इस घर में दामाद बनना पसंद नहीं करते। ठीक है, तुम जाओ डॉक्टर दिलीप सिन्हा के पास और कहना वो रिश्ता हमें मंजूर है। हेलो पापा, मम्मी ने मैनेजर को डॉक्टर दिलीप सिन्हा के घर भेजा है बात पक्की करने। लेना ऋषा, तुम फिकर नहीं करो, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा। थैंक यू पापा। सर, क्या कह रही थी वो? कल इम्तिहान है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, समझे? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ। आपने मुझे याद किया। मिस्टर हनुमान सिंह जी, क्या तुमने रामायण पढ़ी है? रामायण? यस सर, पढ़ी है। हनुमान का स्थान कहाँ होता है? राम जी के चरणों में सर। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या चाहता हूँ। समझ गया सर, समझ गया। अब वही होगा जो राम निवास तिलक चाहेंगे। सर, अब मैं लंका चलूं? चलूं क्या, उड़ के पहुंचो। यस सर। हाँ। यस। डॉक्टर सिन्हा की ये मजाल? मैडम, मैंने उनको बहुत समझाया। समझाने की क्या जरूरत थी, पूछा होता रिश्ता पसंद क्यों नहीं। डॉक्टर सिन्हा ने कभी इतनी सारी दौलत और जमीन देखी नहीं है जो हिमाकत पर उतर आए? जी, कहा तो था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कि जब लक्ष्मी देवी अपने पति को छोड़ बैठी हैं, तो उनकी लड़कियों से क्या उम्मीद की जा सकती। उन्होंने कहा,
छक्का मार कहीं का। मैडम मेरी नजर में दो लड़के हैं, उनका बाप फॉरेन में रहता है, पूरे सात समंदर में उनके जहाज चलते हैं। लड़के बॉम्बे आए हुए हैं हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करने, अगर इजाजत हो तो ले आऊं यहाँ। मैनेजर जी तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैडम लड़के दिल के हिंदुस्तानी हैं मगर मिजाज के अंग्रेजी हैं। मैनेजर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जल्दी ले आओ। थैंक यू। कमू कमू अगो भाई ये कोई साफ करने का तरीका है? भाई चुड़ैल भाई शायद की बाटल गिर गई थी, मैं साफ करने ही तो आ रही थी। साफ करने आ रही थी, चाटिए शहद अपनी जबान से। और तुम जानती हो तुम्हारी नौकरी उन आवारा ओमी और विकी की वजह से चली गई? यस मैडम। मैंने तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी है कि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। यस मैडम। वो कभी यहाँ आसपास नजर आए तो उन्हें गेट से बांध देना। यस मैडम। लो वो आ गए। आइए आइए, प्लीज कम। या या वेलकम, थैंक यू। आइए, आप हैं लक्ष्मी देवी, लीना और ईशा की माता जी। नाइस टू मीट यू। आप हैं मिस्टर संपत कुमार कपाड़िया, इन्हें सैम कहते हैं। और आप हैं मिस्टर हरि कुमार कपाड़िया, इन्हें हैरी कहते हैं। आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए आइए। ओह श्योर श्योर। सांडू मैं दूर की सोचता हूँ, मुझे तो लगता है कि दोनों ओमी और विकी हैं। पांडू सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, उस दिन भी तूने लक्ष्मी देवी की दोनों लड़कियों को ओमी और विकी समझ के हथकड़ियां पहना दी थी। हाँ लेकिन उस दिन तू भी तो मेरे साथ था। मैं भी धोखा खा गया था इसलिए अब होशियार हो गया हूँ। और याद रख ये नौकरी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ, समझा? हाँ, तो फिर ये है कौन बताऊं? हाँ, उनके बाप की औलाद। ओह हैं? बैठिए बैठ जाइए। आपने क्या कसूर किया है? आप भी बैठ जाइए। नहीं 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 मैं यूं ही ठीक हूँ। खड़े रहने का इतना ही शौक है तो इलेक्शन में खड़े होइए, यहाँ तो बैठ जाइए। ठीक है। आपके पिताजी भी साथ आए होते तो बहुत अच्छा होता। नो हमारा डैडी बहुत बिजी बिजनेसमैन है, उनका 40 जहाज समंदर में चलता है। 40 जहाज? सर एक जहाज की कीमत कितनी होती होगी? यही कोई 11 करोड़ रुपया। 11 करोड़? इंडिया से हमारा बैलेंस पेमेंट कुछ 15 करोड़ का निकलता है। 15 करोड़? ओया सुना है आप हमारा इंटरव्यू लेना चाहती? नहीं तो हमारे मैनेजर ने आपसे मजाक किया होगा। मजाक? मजाक किया था। मगर मिसेज लक्ष्मी देवी। हाँ मिसेज लक्ष्मी देवी, हम लड़कियों का इंटरव्यू जरूर लेंगे। जरूर लीजिए। मैनेजर जी ऊपर जाकर लीना और ईशा को नीचे ले आओ। जी ये है लीना और ये है ईशा। नमस्ते। रानी बेटियों उठ जाओ, कहीं गर्दन में मोच ना आ जाए। कुकिंग यानी क्या कहते हैं उसे, वो पकवान बना सकते हैं हम दोनों? जी सरसों का साग और मकई की रोटी बना सकते हैं। जी गुड। बैंगन का बर्ता? जी एक्सलेंट। गाजर का हलवा? जी मार्वेलस। आप तो कितने बड़े रहकर भी कितना सीधा साधा खाना पसंद करते हैं। है ना मैनेजर? बड़े लोगों के यही तो गुण होते हैं मैडम। अब एक आखिरी सवाल,
तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। सोच के बताइए, तीन। वंडरफुल मिसेस लक्ष्मी देवी, हमको तुम्हारा लड़की लोग कुछ कुछ पसंद आया, मगर मगर क्या, हम लोग इनको आउटिंग पे ले जाना मांगता है ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन डरिए नहीं, आउटिंग यानी सिर्फ आउटिंग, डेटिंग नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ खंडाले तक जाकर आइए, माहू ने इसलिए डरती हूँ। नो फियर, हम इनको टच भी नहीं करेंगे। संभाल के आजा, देख संभाल के भाया। इसका नाम मीठा लाल है और मेरा नाम खट्टा लाल, हम दोनों भाई हैं। तुम्हारे माँ बाप ने शक्कर और नींबू के पैसे बचाने के लिए रखा होगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है क्या? अच्छी? नो नो नो, बहुत ही अच्छी। अगर बीमार पड़ गए तो सारे डॉक्टर वहीं मिलेंगे, और अगर झगड़ा हुआ तो सारे वकील मौजूद। क्यों हैरी? या यूनियन बनाने के लिए लीडर मिलेंगे, सियासत चलाने के लिए नेता मिलेंगे, बहुत ही फैला हुआ कारोबार है ना सैम। जहन्नम जाने का टिकट कितना होगा? टिकट विकेट कुछ नहीं, फ्री यात्रा। फ्री? तब तो हमारा बाप भी वहीं गया होगा। ये तो अंधेरा ही गया। क्या कर रहे हो? अरे अरे पपीरा निशान। अरे बिंदी गाल पे। कमाल हुई क्या? प्यार की हद से आगे निकल आए हम, मोहब्बत को कोई नया नाम दे। प्यार की हद से आगे निकल आए हम, इबादत को कोई नया नाम दे। मोहब्बत को कोई नया नाम दे। Thank you.
ये निगाहें उठी वो पहचान बने, आँख के बोल कब किसी ने सुने, अब जमाने से क्या इजाजत को कोई नया नाम दे, धड़कनों से क्या दवाई है? ये दवाई नहीं, टॉनिक है, बहुत कीमती टॉनिक है। इसका एक बूंद 1000 का होता है। एक बूंद 1000 की? मगर इसका फायदा? फायदा? फायदा है, और वो ये कि आदमी बुढ़ा नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। हाँ। तो फिर मेरी बच्चियों को भी दीजिए ना। ओह यस, श्योर श्योर, गो अहेड। क्या मैं भी एक बूंद ले सकती हूँ? आप बगैर बूंद के जवान लगता है क्यों? मैं तो आपको पहली नजर में देख के ये समझे थे कि आप रीना और ईशा का बड़ा बहन है। हर कोई यही समझता है।
लेकिन मैं देखना चाहती हूँ इस टॉनिक में खूबी क्या है। या या लीना मम्मी को टॉनिक दो। सॉरी सॉरी मैडम सॉरी। छोड़िए दूसरा बूंद ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं इतनी कीमती चीज को कैसे छोड़े। रघु अम्मा टाइगर को घुमा के लेके आओ। मैनेजर जी संपत और हरी बहुत अच्छी लड़की मुझे ये रिश्ता पसंद। यस हनुमान सिंह मैनेजर एंड पर्सनल सेक्रेटरी टू। सेक्रेटरी के बच्चे अब देर किस बात की है कल शाम तक मंगनी करा दो। जी जी समझ गया ऐसा ही होगा। किसका फोन था? वो जेल सुपरिंटेंडेंट का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था वो लफाड़िए ओमी और विकी 4 बजे जेल से छूट रहे 5 बजे यहाँ पहुंचने वाले 6 बजे लीना और ईशा से शादी करेंगे 7 बजे बच्चे पैदा करेंगे। शट अप ये क्या बक रहे हो? ओह सॉरी बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैडम। तो फिर उनके आने से पहले मंगनी का इंतजाम कर दो। छुपी खेलते हैं। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन एक नजर इधर अभी मंगनी की रस्म शुरू होगी उसके बाद रिफ्रेशमेंट और फिर रात को होटल स्वागत में डिनर। लीना ईशा छुपो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंद हो गया। बदमाश लफंगे बहरूपिये मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। अरे ये तुम दोनों कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ। ये तो पुलिस को बुला लूंगा। क्या काम भागो यहाँ से। ये तो पुलिस आ जाएगी। तुमने मुझसे गद्दारी की। मैडम मैं भी धोखा खा गया था। धोखा नहीं तुमने मेरे पति से मिलकर मुझसे साजिश की। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। मैडम आपको एक मैनेजर की नहीं एक मैरिज ब्रोकर की जरूरत है। एक सलाहकार की नहीं आपके साथ ताली बजाने वाले की जरूरत है। और मैं ऐसी नौकरी को लालच समझता हूँ। मैनेजर कौन मैनेजर? मैं किसी का मैनेजर नहीं ना ही मेरी कोई मालकिन। मेरा नाम है हनुमान और मैं राम का भगत हूँ लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी हाय हाय लक्ष्मी देवी हाय हाय
लक्ष्मी देवी 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 टेलीफोन की वायर L for Lina, O for Omi, V for Viking, E for Isha, All for Love, 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 Everything. Saram pam saram pam 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 saram pam saram pam 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 saram pam saram pam pam saram pam 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 aayi hai barat doli lekar jayegi aayi hai barat doli lekar jayegi ladki walon ko badhai dekar jayegi aayi hai barat doli lekar jayegi aayi hai barat लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी कि ये तो लव है 86 के इसमें शादी से पहले किस के यारो कभी न करना मिस लुगाई हो जाएगी फिक्स 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 अरे जहाँ चलेगा जोगी जोगन साथ जाएगी जहाँ चलेगा जोगी जोगन साथ जाएगी लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी हमने बांधा जब सहरा तुमने लगा दिया पहरा हमने बांधा जब सहरा और तुमने लगा दिया पहरा हम जब दूल्हा बनकर आए तुमने लगाई हाय हाय और जब लड़का लड़की राजी तो कैसी है नाराजी लड़का लड़की राजी तो कैसी है नाराजी अरे और कहाँ तक भरी जवानी ठोकर खाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी टीवी फ्रिज की ऐसी तैसी लेंगे नहीं दहे लेंगे नहीं दहे टीवी फ्रिज की ऐसी तैसी लेंगे नहीं दहे मंजूर है लड़की हमको चाहे दो कपड़ों में भेज चाहे दो कपड़ों में भेज और चाहे दो कपड़ों में भेज ओ अम्मा हमको करो सपोर्ट नहीं तो खुले हुए है कोर्ट अम्मा हमको करो सपोर्ट नहीं तो खुले हुए है कोर्ट अरे बात अगर बिगड़ी तो सबकी इज्जत जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी Thank you.
86 कोई चांस होगा मिस हो ये तो लव है 86 कोई चांस होगा मिस है कैसा झगड़ा व्हाट इज दिस मुकदमा कर दो डिसमिस है कैसा झगड़ा व्हाट इज दिस अरे मुकदमा कर दो डिसमिस अरे प्यार की आंधी किसी तरह ना रोकी जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी लड़के वालों को बधाई देकर जाएगी आई है बारात डोली लेकर जाएगी आई है बारात बारात आई है बारात अम्मा आई है बारात सासू जी आई है बारात भेज दे है बारात मदर इन लॉ आई है बारात निकल आ ओमी विकी इधर आओ मैं तो तुम लोगों को आजमा रही थी कि तुम दोनों कहां तक मेरी लड़कियों से सच्चा प्यार करते हो मैंने तुम्हारी मांग मंजूर कर ली लक्ष्मी देवी मोहब्बत लक्ष्मी देवी मैडम फिर देर किस बात की है शादी ठहरा दीजिए हम बारात लेकर आते हैं बैंड बाजे और तोप तड़ाके के साथ चलो भाई ओमी विकी चलो हनुमान जी जी ये तो मेरे होने वाले दामाद हैं आज से ये दोनों यही रहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता इसलिए कि कहीं शादी से पहले हल्दी हो गई तो जल्दी नहीं होगी हाँ मामा आओ मेरे साथ बाहर चिकचिका 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 ओमी किस्मत पलट गई रघु मेरी तिजोरी की चाबियां कहाँ है अम्मा चाबी नीचे देखा नहीं भाई मैं तो ऊपर नहीं आई नीचे नहीं ऊपर नहीं तो क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया क्या बात है मम्मी मेरी तिजोरी की चाबियां खो गई है और इन नाकारों को कुछ मालूम ही नहीं अगर घर में है तो मिल जाएंगी मम्मी मगर मुझे इसी वक्त शादी में जाना है और मेरे सारे जेवर तिजोरी में पड़े हैं अगर इतना अर्जेंट है तो मम्मी मैं तिजोरी खोल दूं मगर इसका ताला खराब तो नहीं होगा ना बिल्कुल नहीं मम्मी तो फिर जल्दी करो हिलो मत इंस्पेक्टर साहब ये चोरी नहीं है मैं सच कहता हूँ मम्मी ने खोलने को कहा था उनकी चाबियां गुम हो गई थी मम्मी समझाइए ना कि आपकी चाबियां शट अप मुझे कभी मम्मी नहीं कहना तुम दोनों ने कौन सी कसर छोड़ी है जो इंस्पेक्टर को समझाओ इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है साजिश है इंस्पेक्टर क्या बात है पुलिस क्यों आई ओमी और विकी ने चोरी की है लीना ईशा इंस्पेक्टर इन्हें ले जाइए बयान मैं बाद में दूं चलो आखिर उतर आए ना अपनी औकात पर मैंने क्या सोचा था तुम्हारे लिए सर आप अपने कानों से नहीं अपने दिल से पूछिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं
तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे जरा भी शक नहीं तुम्हारी इस हरकत पर। ये साजिश है सर, आप कोई भी कसम ले लीजिए हमसे। चोर की कसम और झूठे के वादे का कोई एतबार नहीं होता। जिससे मेरा एतबार टूटता है, मैं खुद टूटता हूं, समझे? सर आपने सुने हुए झूठ का एतबार किया, काश आप हमारे कहे हुए सच का यकीन करते। भले दुनिया हमें चोर कहे, आप ऐसा मत कहिए सर। जिंदगी गुजारने का सलीका हमने आप ही से सीखा है सर। दिल दुखता है, हमें सजा की परवाह नहीं, बदनामी की परवाह नहीं हमें। हाँ परवाह है तो सिर्फ आपके विश्वास की। तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है, तुम दोनों अपने मतलब के यार हो। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। चोरी तुम्हारा पेशा है। हाँ, हम चोर हैं, हम चोर हैं। ये तुम दोनों रख लो, मेरी तरफ से इनाम। अयो कड़वले, ना दिवाली ना होली, ये कैसा गोली? मेरा मतलब ये बख्शिश का मुहूर्तम कैसा निकल गया है अम्मा? इसलिए कि तुम दोनों को गवाही देनी होगी कि ओमी और विकी ने चोरी की है। हे मासा देवा, मैं काय को झूठी साक्षी देने को लगी जब उन्होंने चोरी नहीं की? तुम इन्हें तो झूठी रिपोर्ट लिखवाई। चुप। बड़ी आई चौधरान, झूठ और सच में तमीज करने वाली। तमीज करते हैं इसीलिए गरीब है। जवाब देती है, निकल जा मेरे घर से। चिल्लाती काय को हो, बड़ा घर होने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बड़े गुण पैदा करो भाई। बहुत मस्ती आ गई है, देखती हूँ तुझे कौन काम देता है। काम किसको चाहिए भाई, मेरा घर वाला तो मेरे को रानी की तरह बिठा कर पालेगा। मैं तो इस घर में नौकरी करती थी तुम्हारी सूरत देख कर नहीं, लीना रानी और ईशा रानी की सूरत देख कर। चली जा यहाँ से। जाती हूँ। तू किस खुशी में धोती उठा रहा है? मुड़ जाने के लिए। क्या क्या? मैं समझ गया तुम्हें एक दिन मेरे को चोर बना के, चोरी का इल्जाम लगा के पुलिस के हाथ में देने वाला। अम्मा तुम बहुत डेंजर स्त्री। मैं मद्रास जाके इडली डोसा बेचूंगा, लेकिन इधर नहीं रहूंगा। भड़क तुम। शट अप। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? पापा के पास। पापा क्यों याद आ गए इतने सालों बाद? इसलिए कि तुम्हें हमारी खुशी नहीं अपनी खुशी ज्यादा प्यारी है, इसलिए कि तुम्हें हमारा प्यार नहीं अपना अहंकार ज्यादा प्यारा है, इसलिए कि तुम्हारे प्यार में मिलावट आ गई है। मामा, ओमी और विकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसे भयानक इल्जाम का बोझ इनके कंधों पर डाल दिया? मामा, इंसान पाप का प्रायश्चित कर सकता है मगर इल्जाम का दाग मिटा नहीं सकता। नौकरों ने तुम्हें छोड़ा तो हमने समझा कि तुम मालकिन नहीं। पापा ने तुम्हें छोड़ा तो हमने समझा कि तुम औरत नहीं। लेकिन आज हमें पता चल गया है कि तुम माँ भी नहीं। बदज़बान, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आइंदा कभी पापा का भ्रम दिखाया तो मैं मर जाऊंगी और फिर चली जाना उनके पास। मामा प्लीज, मामा प्लीज, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो फिर जाओ अपने कमरे में और याद रखना, फिर कभी अपने पापा का नाम नहीं लेना। महबूब से हमारे बदे सबा हमारा, महबूब से हमारे बदे सबा हमारा, इतना प्याम कहना दिल का सलाम कहना। महबूब से हमारी बारी सबा हमारा, इतना प्याम कहना दिल का सलाम कहना। महबूब
उनसे जाके सब हाल दिल सुना के है प्यार की दुहाई तड़पाती है जुदाई बेचैन दिल हमारा है सुबह शाम कहना महबूब से हमारे वादे सबा हमारा सबा हम
क्या बात है सर, ये किसकी चिट्ठियां हैं? विकी और ओमी की। ओमी ने बैंक ऑफिसर का इम्तिहान पास कर लिया और विकी ने पुलिस इंस्पेक्टर का। ओ। मगर बदनसीब है दोनों, बनती हुई जिंदगी को बिगाड़ लिया। सर बुरा न माने तो एक बात कहो, मुझे कम्मो ने बताया कि उन्होंने चोरी नहीं की, ये लक्ष्मी देवी ने एक चाल चली। इस बात का पता लीना और ईशा को भी हो गया है। ये सच है सर? तुम्हारी जमानत भर दी गई है, तुम जा सकते हो। किसने दी हमारी जमानत? मिस्टर राम निवास तिलक ने। तुम्हारी नौकरी की चिट्ठियां। थैंक यू सर। चलो। ओमी और विकी को छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया? क्यों छोड़ दिया गया? वो रामनिवास ने जमानत भर दी है और हमारे वकील का कहना है कि मुकदमा अब कमजोर हो गया है। रामनिवास, मैं अभी कमजोर नहीं बनी। कहाँ जा रही हो तुम? विकी और ओमी से मिलने और उनसे माफी मांगने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? वो दोनों इस काबिल नहीं है। वो जो भी है सो है, ये हमारा फैसला है मामा। मैं जानती हूँ ये किसका फैसला है और किसका बदला। ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो ताकि इन्हें एहसास हो कि मैं इनकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। सुना नहीं तुमने? यस मैडम। ले जाओ इन्हें। जी। हट जाओ हमारे रास्ते। पांडू चलो। क्या हुआ पांडू, क्या हुआ? हेलो हेलो लीना बेबी, लक्ष्मी देवी जी का हार्ट फेल हो गया। ये तुम्हें क्या हो गया मामा? हमने तुम्हें बहुत दुख दिए मामा। हमें क्या पता था ये दुख तुम्हारी जान ले लेगा। हमें माफ कर दो मामा, हमें माफ कर दो मामा। ढोंग था। ये सच भी हो सकता है अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी भलाई के सिवा और क्या सोच सकती हूँ। तुम अपनी बात मनवाने के लिए बहुत कुछ सोच सकती हो और बहुत कुछ कर सकती हो मामा। क्या तुम चाहती हो कि मैं सचमुच मर जाऊँ? हरगिज नहीं। तो फिर तुम दोनों पे मेरा इतना भी अधिकार नहीं? एतबार करने वालों को अधिकार का हक होता है। तुमने कौन सा एतबार किया है हम पर? तुमने हमारी पढ़ाई बंद कर दी, हमने मान लिया। तुमने हमें घर पर नजर बंद रखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। तुम हमारी उम्र को अपनी उम्र से देख रही हो, हमारे जज्बात को अपने तजुर्बात से तोड़ रही हो। तुम हमें कठपुतली बनाकर ना इस दुनिया की रफ्तार को रोक सकती हो और ना ही इसकी बदलती धारा को मोड़ सकती हो। वैसे हमने कौन सा बुरा काम किया है? आखिर हमारा कसूर क्या है मम्मा? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम दो कौड़ी के लड़कों को इस घर के दामाद बनाना चाहती हो। मम्मा, मोहब्बत और चाहत हीरे और सोने की मोहताज नहीं होती। दो दिलों का मिलन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। सुना था मां दर्द और प्यार की बनी होती है, मगर हम जा रहे हैं। रुक जाओ, जवानी का नशा उतरेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये घर कोई सराय नहीं कि जब तक जी चाह रहे और जब जी चाह चले गए तुम इस घर से नहीं जा सकती। अगर हम चले गए तो उन लफंगों की टांगें तोड़वा दूंगी। याद रखना, तुम दोनों की शादी होगी तो मेरी मर्जी से, और तुम्हें मेरी मर्जी का भ्रम रखना होगा। तुमने कौन सा भ्रम रखा है अपने माँ बाप की मर्जी का? उन्होंने तुम्हारी शादी की और तुमने शादी को स्वीकार नहीं किया। मम्मा, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि हम तुम्हारी मर्जी की शादी से खुश रह सकेंगे?
जवाब दो, जवाब दो मामा। कच्चे फैसले करने वाले डर के घरौंदों में छुप जाते हैं, हम नहीं। हम जा रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी देवी का हुक्म है कि तुम अभी इसी वक्त बॉम्बे छोड़ दो, वरना वरना हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ सकते हैं या तुम्हारी लाशों को उठाकर रेल की पटरियों पर रख सकते हैं। इसे कहते हैं कि अंधे ने देखा और बहरे ने सुना। ये बंदर भपकिया किसी और को जाकर देना, चलामी फिर शुरू हो जा। कसम तेरी मेरी जवानी के। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हम शादी करना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। मगर तुम तो घर से भागे हुए लगते हो। भागे तो है लेकिन भगवान की पनाह में आए हैं। मगर मैं ये शादी करा नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं करा सकते? इसलिए कि समाज और रिवाज भी तो कोई चीज है। ये समाज, ये रिवाज मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों इंसानों के जमीर और आत्मा पर हुकूमत करने के लिए बनाए हैं। उनका ये समाज, उनका ये रिवाज गुब्बारे की तरह फूलता और सिकुड़ता रहता है। ना हम आपके ये समाज को मानते हैं ना ये रिवाज को। ये समाज, ये रिवाज
मैंने स्थापित नहीं किया। मेरा धर्म इसकी रक्षा करना है। मैं ये शादी तुम्हारे माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं करा सकता। इच्छा? इच्छा तो पार्वती ने भी नहीं ली थी अपने पिता की जब उन्होंने भगवान शिव से शादी की थी। इच्छा तो रुक्मिणी ने भी नहीं ली थी अपने भाई की जब उन्होंने भगवान कृष्ण से शादी की थी। पूछिए इनसे, पूछिए, ये साक्षी है। जवाब दो, तुम्हें जवाब देना होगा। जब पार्वती और रुक्मिणी ने अपने पिता और भाई की इच्छा नहीं ली थी तो तुम्हारा समाज इनकी शादी कैसे स्वीकार कर लिया? इसीलिए तो दुनिया कहती है कि भगवान का वरदान मिल जाता है लेकिन पुजारी का नहीं। नहीं, मैं मजबूर हूँ, मैं ये शादी नहीं करा सकता। पुजारी, भले मेरी जान ले लो लेकिन ये शादी कभी नहीं होगी। और छोड़ देने, इन्हें उस दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन लोग इनके कारण मंदिर आना छोड़ देंगे। पसंद करते हैं अपने आप से भी ज्यादा, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारी उमंग को समझता हूँ। मुझे तुम्हारे फैसले से हमदर्दी है, मगर तुम्हारी हालत से पता लगता है कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे जो भी बड़े हों उन्हें ये शादी पसंद नहीं। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। शादी हमें करनी है, जिंदगी हमें गुजारनी है। बेटी, मैं मानता हूँ कि जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, आने वाली दुनिया तुम्हारी है, लेकिन तुम नौजवान, जवानी के जोश में जिंदगी के हर मोड़ पर बगावत का झंडा लेकर चल पड़ते हो। हर कायदे कानून को दीवार समझते हो, उसे तोड़ना चाहते हो। नतीजा जानते हो? बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। सर, हमें भी आपकी राय से हमदर्दी है मगर आपके कायदे कानून से नहीं। हम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझते हैं, हम अभी शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो शादी के लिए तुम्हें दरख्वास्त देनी होगी और मुझे एक महीने का नोटिस जारी करना होगा। क्यों? इसलिए कि इस मुद्दत में अगर किसी को एतराज हो तो वो इस ऑफिस में दर्ज करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एतराज हो तो ये शादी नहीं हो सकती। अगर एतराज काबिल कबूल हो तो अदालत ही फैसला कर सकती है। जान लो, मैं जा तुम्हारी राह और सामाजिक रस्म और रिवाज। हम नहीं मानते इस कानून को, जिसे लिखने वाले तो मर गए लेकिन उनका कानून जिंदा लोगों पर लागू किया जाता है। हमें मुर्दों का कानून नहीं, जिंदों का कानून चाहिए। बेटी, मैं यहाँ कानून की हिफाजत के लिए बैठा हूँ, कानून बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं। हमें कानून नहीं, इंसाफ चाहिए। कानून वाकयात सुनता है, वजूहात नहीं, हाल देखता है, हालात नहीं। रजिस्ट्रार साहब, शादी इस पुराने धर्म और कानून की मोहताज नहीं। शादी एक मुकद्दस वादा है, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होने का, और ये वादा हम खुद पूरा कर सकते हैं। ना हमें तुम्हारे धर्म का आशीर्वाद चाहिए और ना ही कानून का उपकार। तो हेल्प विद द आउटडेटेड वर्ल्ड, कम ऑन। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? जवाब दो। जवाब दो। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं यहां हूं। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? तुम्हारे पास है भी क्या सिवाय दुख के जो तुम दूसरों को दे सकती हो? लक्ष्मी, आज तुम्हें एहसास हुआ होगा कि तुम्हारे अहंकार और नासमझी के कारण आज तुम टूटे हुए सपनों के ढेर पर बैठी हो। मैं ना आज टूटी हूं और ना कभी टूट सकती हूं। लक्ष्मी, इमारत पहले बाहर से नहीं अंदर से ही टूटती है। इंसान अक्सर दूसरों से नहीं, अपने आप से, अपने विचारों से और अपने रवैये से ही धोखा खा जाता है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा गलत तरीका बच्चों को बागी बना दिया है। मैं जानती हूँ ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। ये आग उनकी उम्र और उनके दौर का तकाजा है। इस आग पर तुम काबू पाने के बजाय नादानी से कागजों में लपेटने की कोशिश कर रही हो, जिसे आग बुझती नहीं बल्कि और भड़कती है। इस कदर बगावत की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने ना मेरा पास रखा ना खानदान का ख्याल। मैंने लीना और ईशा का बुरा कब चाहा था? बुरा नहीं तो भला भी कब सोचा है तुमने? विकी और ओमी में बुराई भी क्या है?
जिंदगी को बहुत करीब से देखा है उन्होंने और अब तो उन्हें नौकरियां भी मिल गई। मगर फिर भी हमारे बराबर नहीं हो सकते। लक्ष्मी, तुम उन्हें बराबर नहीं समझने से क्या होता है? लड़कियों ने उन्हें अपने लायक समझा। कभी सोचा है तुमने? आज का वक्त हमारा नहीं, उनका है। अपने बारे में उनको खुद फैसला करना है। लक्ष्मी, हम अपने अपने वक्त से आगे या पीछे नहीं जा सकते। तुम मेरे वक्त से आगे निकल गई और अपने बच्चों के वक्त से पीछे रह गई। क्या मिला तुम्हें इस सफर में सिवा तन्हाई के? लक्ष्मी, तन्हाई बहुत फैली हुई होती है, इस शाल से छुपाई नहीं जा सकती। मैं जब तुम्हारे बगैर इतने साल जिंदा रह सकती हूँ तो लीना और ईशा के बगैर भी बाकी जिंदगी गुजार लूंगी। दूर हो जाओ तुम सब मेरी जिंदगी से। लक्ष्मी, तुम्हें इतना दूर भी नहीं जाना चाहिए कि वापसी का रास्ता भूल जाओ। एक बात याद रखो, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे प्यार किया जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समझा जाता है। लक्ष्मी, अपनों में अपनी पहचान जरूरी होती है अपनी तलाश के लिए। लक्ष्मी, इस खानदान की इज्जत के लिए मैं लीना और ईशा की शादी कर रहा हूं किशन मंदिर में। अभी तुम आ सकी तो बच्चे खुश होंगे, वरना दुखी तुम रहोगी, सिर्फ तुम। दुनिया से थक गई हूं। अगली दुनिया अधूरी नहीं होती, मुकम्मल होती है। अधूरा आदमी होता है। लक्ष्मी, मैं भी अधूरा रह गया था तुम्हारे बगैर, बच्चों के बगैर। दिल खाली रह जाए तो सारी रोशनियां बुझ जाती। अब बच्चे मिल गए हैं और तुम भी आ गई, मन का बोझ हल्का हो गया। आओ लक्ष्मी, आशीर्वाद दो। Saram pam saram pam 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 saram pam saram pam 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 saram pam saram pam pam saram pam 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 aayi hai baraat doli lekar jayegi aayi hai baraat doli lekar jayegi ladki walon ko badhai dekar jayegi aayi hai baraat doli lekar jayegi aayi hai baraat लड़की वालों को बधाई देकर जाएगी।